Dear student, I hope you are okay and energetic. We have studied about types of crops, kharif and rabi, and preparation of soil, and showing why seed drill. Today we will study about keywords of this chapter. Number one, agriculture practices. You know very well about agricultural practices. Now definition: the activities carried out for cultivation of crops over a period of time are called agricultural practices, as preparation of soil, sowing, etc. पिछले वीडियो में इनके बारे में पढ़ा तुमने, प्रिपरेशन ऑफ सोइल एंड सोइंग. सेकंड कीवर्ड एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल्स रियर्ड एट ए होम ऑन ए फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर. व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, घरों में पशुपालन मतलब किया जाता है, दूध के रूप में, दूध मतलब दूध इनसे मिलता है. कहीं कहीं इनको जब कई ग्रुप में रियर करते हैं तो ये एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन. नेक्स्ट क्रॉप, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स विच आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट ए प्लेस इज कॉल्ड ए क्रॉप, एज व्हीट क्रॉप, पी क्रॉप एक्सेट्रा. नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स इज ए केमिकल कंपाउंड विच इज वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. एग्जाम्पल यूरिया, पोटास, अमोनियम, सल्फेट, सुपर फास्फेट एंड एनपीके. एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, दिस इज एनपीके. एज यू सी फर्टिलाइजर्स यूरिया, पोटास, अमोनियम सल्फेट एंड एनपीके, ये इनकी शॉप्स होती है, फर्टिलाइजर शॉप्स, उन पर मिल जाते हैं, केमिकल्स हैं ये. नेक्स्ट है ग्रीनरीज. द स्टोर हाउस फोर ग्रेन्स आर कॉल्ड ग्रेनरीज. दीज प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम पेट्स लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट्स. तो ग्रेनरीज जैसे FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें फार्मर से ग्रेन्स को, व्हीट वगैरह इसको कलेक्ट करके और उसमें एक रख दिया जाता है सुरक्षित के लिए, दिया जाता है सुरक्षा के लिए. नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग. द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज फुली मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब क्रॉप जो है फुल मैच्योर हो जाती है तो उसको कट किया जाता है, कटिंग. आजकल जो है नाउ इट इज कटिंग जो चल रही है कि जो हार्वेस्टर है उसके द्वारा कटिंग करते हैं, जैसे कि ये कंबाइन मशीन, इट इज कंबाइन मशीन, इसके द्वारा हार्वेस्टिंग करते हैं. कुछ सिकल, सिकल मीन्स दराती, दराती के द्वारा हार्वेस्टिंग कटिंग करते हैं किसान, छोटे स्तर पर, और बड़े स्तर पर जो है हार्वेस्टर द्वारा कटिंग करते हैं.
Next is irrigation. The supply of water to crops at different intervals is called irrigation. समय समय पर जो है प्लांट्स में क्रॉप में वाटर लगा वाटरिंग की जाती है, इट इज कॉल्ड इरीगेशन. ट्यूबवेल, कैनाल्स एंड अदर सिस्टम्स की वर्क की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट खरीफ. द टाइप ऑफ क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन. तो दीज आर खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में. नेक्स्ट है रबी. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. देयर टाइम पीरियड इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. एज एग्जाम्पल व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड. लाइनसीड मसूर. आजकल जो है ये रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो रही है. विलेज एरिया में जाएँ तो वहाँ देखेंगे आजकल फार्मर जो है कटिंग पर लगे हुए हैं. हार्वेस्टिंग जो है अच्छी प्रकार से हो रही है. नेक्स्ट पॉइंट मैन्यूर. द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स वास्ट इज कॉल्ड मैन्यूर. मैन्यूर जो है डिकम्पोज्ड पार्ट होता है. इसको जो है किसी पिट में इकट्ठा करते रहते हैं, कलेक्शन करते हैं. कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वास्ट डंग और उसमें जो है पिट में कलेक्ट हो जाता है. लीव्स, स्ट्रो और घरों से निकले हुए बहुत से कूड़ा करकट, वेजिटेबल्स, पील्स, इन सब का कलेक्शन एक पिट में कर दिया जाता है. आफ्टर 3 or 4 months बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो अर्थवर्म इसको डिकम्पोज कर देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है मैन्यूर में. क्योंकि ये डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है इसलिए इट इज़ कॉल्ड कंपोस्ट. तो जो है कंपोस्ट. डू यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पॉइंट पिलो. पिलो द डिवाइस विच इज यूज फॉर टिलिंग एंड पिलोइंग इज कॉल्ड पिलो. सीड ए प्लांट्स फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट मे ग्रो इज कॉल्ड सीड. तो इसमें ये जैसे कि पी सीड्स, वीट सीड्स, ग्राम सीड्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट है कीवर्ड्स साइलो. ए टाल टावर ऑफ पिट ऑन ए फार्म यूज टू स्टोर ग्रेन्स इज कॉल्ड साइलो. साइलो ये जो ग्रेनरीज होती हैं और उसमें बड़े बड़े जो पिट बनाए जाते हैं या टीन या उसकी कुठिया बना दी जाती है लार्ज साइज में. सो इट इज कॉल्ड ग्रीनरीज. लुक दीज फिगर. दीज आर साइलोस. टॉल टावर और पिट. तो यहाँ पर टॉल टावर हैं. ऑन ए फार्म यूज टू स्टोर ग्रेन्स. इसमें ग्रेन्स रख दिए जाते हैं. स्टोर ग्रेन्स. साइलोस फॉर स्टोरेज ग्रेन्स. दीज आर कॉल्ड साइलोस. इनसे जो है पेस्ट जो है जैसे कि रेट वगैरह इससे मॉइस्चर इससे सेफ्टी रहती है. नेक्स्ट है पॉइंट सोइंग. द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग. प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड
सोइंग, बीज का बोना, बुआई करना। नेक्स्ट पॉइंट स्टोरेज, स्टोरेज इज ए प्रोसेस ऑफ कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड रेट्स फॉर लॉन्गर टाइम। तो इस प्रकार से ये स्टोरेज गोदाम बनाए जाते हैं जिनमें के गेहूँ आदि को इकट्ठा रखा जाता है लंबे समय तक, और चूहों से बचाव हो और जो उसमें घुन वगैरह लग जाता है उससे बचाव हो, मॉइस्चर से बचाव हो, उसके लिए स्टोर किया जाता है। घरों में भी स्टोर रहता होगा, उसके लिए कुटिया वगैरह उसमें स्टोर कर देते हैं अपने अपने नीड के अनुसार। नेक्स्ट कीवर्ड्स थ्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द कैप इन द हार्वेस्टेड प्लांट्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। हार्वेस्टेड प्लांट उसकी थ्रेसिंग की जाती है, जो गेहूं के ग्रेन्स हैं और भूसा से अलग कर दिया जाता है, इट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। नेक्स्ट बीड्स, द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो एलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड बीड्स एज जेंथियम, गोखरू, मोथा एंड बथुआ। तो ये बीड्स है, खरपतवार, ये क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि जो भी क्रॉप में न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्रॉप को मिलते हैं तो ये बीड्स उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्रॉप अपनी जो है वैसी कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। नेक्स्ट वीडिसाइड्स, द केमिकल स्प्रेड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बीड्स इज कॉल्ड वीडिसाइड्स एच 2,4-D, नीम एक्सट्रैक्ट एंड एथिल एस्टर। ये वीडिसाइड्स हैं, इनको स्प्रे किया जाता है और उससे जो है ये पेस्ट वगैरह जो है ख़त्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें ये स्प्रेइंग वीडिसाइड्स फिगर है, इसमें ए फार्मर स्प्रेयर मशीन है उससे इसका स्प्रे कर रहा है, क्योंकि स्प्रे जो वीडिसाइड्स है पॉइजनस है, इसलिए ये अपने माउथ को, नोज को कवर किए हुए फेस को, जिससे इस पर कोई गलत इफेक्ट न पड़े। सो दीज आर वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स द केमिकल्स स्प्रेड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड्स इज कॉल्ड ए वीडिसाइड। जो खरपतवार हैं उनको नष्ट करने के लिए वीडिसाइड का यूज किया जाता है, खरपतवार नाशी। नेक्स्ट विनोइंग थ्रेसिंग की तरह द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड कैप इज कॉल्ड विनोइंग। तो इसको जो सेपरेशन किया जाता है उसको ग्रेन्स और भूसा इसको अलग कर दिया जाता है, वही एयर, इट इज कॉल्ड विनोइंग। सो दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। इसको अच्छी प्रकार से लिख लेंगे और समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे डालेंगे, तब तक इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। तो इसके सभी कीवर्ड्स जो है उसको अच्छी प्रकार से कर लेंगे। एंड होमवर्क है, रीड साइंस चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, अंडरस्टैंड एंड सेलेक्ट कीवर्ड्स। ओके,
Best of luck.